और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां नगर निगम रायपुर बीजेपी पार्षद की बैठक शुरू हुई है। आपको बता दें, सामान्य सभा को लेकर बीजेपी पार्षद दल की बैठक चल रही है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उप नेता मनोज वर्मा और समस्त बीजेपी पार्षद मौजूद है। सामान्य सभा में सत्ता पक्ष को घेरने पर बन रही है रणनीति। तो ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां नगर निगम रायपुर बीजेपी पार्षद की बैठक शुरू है। सामान्य सभा को लेकर बीजेपी पार्षद दल की बैठक चल रही है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उपनेता मनोज वर्मा और समस्त बीजेपी पार्षद मौजूद है। आगामी शुक्रवार को होने वाली सामान्य सभा को लेकर आज भाजपा पार्षद दल की यहाँ बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, संजय श्रीवास्तव जी, जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी उपस्थित हैं। सबके मार्गदर्शन से हमारे जो नए चुनकर आए हैं पार्षद, सभी का प्रदर्शन इस सामान्य सभा में अच्छा हो, इसलिए आज यह बैठक रखी गई। क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इसमें? देखिए, हम एजेंडे की बात करें तो एजेंडे में तो वार्ड विकास या शहर विकास से संबंधित कोई विषय ही नहीं है। बजट की पुष्टि है, सारे नामकरण के विषय हैं, और नए विषय में देखे जाए तो एक गार्डन के 5% भूमि को बेचने के या 5 साल के लिए टेंडर में देने का, ठेके में देने का जो विषय है वो इस टेंडर में, एजेंडे में है। और दूसरा, गोल बाजार का जो एक महत्वपूर्ण विषय है वो इस एजेंडे में है। हमें समझ में नहीं आता कि 1.5 वर्षों में महापौर महोदय जी के पास, उनकी परिषद के पास, शहर विकास या वार्ड विकास के विषय में एक भी विषय नहीं आ पाया, जिसमें जो उन्होंने सामान्य सभा में नहीं रखा है। इससे यह साफ साबित होता है कि 1.5 वर्षों में, पिछले 1.5 वर्षों में इस नई परिषद के द्वारा शहर के विकास के लिए, वार्डों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और इसी सब, इन्हीं सब बातों का विरोध सामान्य सभा में भाजपा पार्षद दल करेगी। 19 हमारे पार्षद दल के द्वारा 19 सवाल प्रश्नकाल के लिए लगाए गए हैं, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ कांग्रेस के पार्षदों ने भी अपने ही परिषद के खिलाफ सवाल लगाए हैं। अलग अलग पार्षदों को क्या, किस तरीके की जिम्मेदारी दी है ये? अभी हम अभी हमारी ये बैठक हो रही है, हमारे मार्गदर्शन देंगे जब हमारे बड़े वरिष्ठ नेता, उसके पश्चात हम पार्षद आपस में बैठकर यह निश्चित करेंगे कि कौन सा पार्षद कौन से विषय को अच्छे से उठाएगा।